सो लेट स्टार्ट। तो आज हम जानेंगे क्यों GTA 4 अच्छा है GTA 5 से, फाइव की स्टोरी ऑन दी अदर हैंड सिर्फ हाइस और उसकी प्रेपरेशन पर ही बेस्ड होती है, पर GTA 4 में ऐसा नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपको ह्यूमन इमोशंस के साथ एक मैसेज भी मिलेगा जो आपको गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। कहता है हमें अपने पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए और हमारे पास्ट में बुरे इवेंट्स को हमें अपने अंदर फंसा के नहीं रखना चाहिए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम GTA 4 में एक टायर को फायर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये पूरा थोड़ा पिचक गया है तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसका पूरा ही फट गया, इसका मतलब रॉकस्टार अगर चाहे तो अपनी गेम्स में पूरा एफर्ट डाल सकता है। ये 5 में बिल्कुल इसका उल्टा है। तो हम जानते हैं कि GTA 4 का कम्बैट मैकेनिक्स इतना अच्छे थे, चलो इस बंदे से थोड़ी मारपीट हो जाए। अब देखो इसका हेल्थ बार बना हुआ आ गया, यानी हमें पता चलता रहेगा कब ये बंदा मर जाएगा। तो GTA 4 का कम्बैट मैकेनिक्स इतना ज़बरदस्त है। GTA 5 का कम्बैट मैकेनिक्स भी बिल्कुल GTA 4 जैसा है और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है और इसमें हेल्थ बार भी नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मतलब GTA 4 GTA 5 से अच्छा है। और अब इसी टाइम पे वीडियो वो करते हैं ख़त्म। तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और उससे पहले आप ये चीज़ सुन के जाओ, GTA 4 में आपका साइन इन एरर आ रहा है तो इस वीडियो को क्लिक करो।